अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूँ आपके साथ काशिफ रजा मैं हूँ नाजिया कमल खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस दिल से हल्फ उठाता हूं के से उठाता कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार वोलवी कौमी असम्बली के नौमत ने हलफ उठा लिया स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतबाब कल होगा स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इतिहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर उम्मीदवार डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इतिहाद काउंसिल के जुनीद अकबर उम्मीदवार हैं वजीर आजम पाकिस्तान का इंतबाव इतवार को होगा कायदेवान वान का के इंत डिवीजन के जरिए होगा कागजाते नामजद की हफ्ता दिन दो बजे तक जमा होंगे जबकि जाँच पड़ताल का अमल तीन बजे होगा ने शेड्यूल जारी कर दिया बानी आई ने को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया ये इकदाम वतन असीज को जान बूझ कर अंधेरों में धकेलने की साजिश है आई एम एफ को खत लिखना मुल्की मीशत का गला घोटने के मुतादिफ है ऐसा वही कर सकते हैं जिनका वतीरा सिर्फ मुल्क दुश्मनी हो सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा इतहादियों के साथ मिलकर मजबूत हिमत अमली बनाएंगे बानी सियासी मकासद के लिए बहरानी कैफियत चाहते हैं आई एम एफ को खत जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतबाब का मरहला मुकम्मल बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतब फायदे एवान का इंतबाब कल होगा मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालि का चकसही बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान इसम्बली मंतब जिम्मेदारियाँ संभाली नौमनतब स्पीकर का तमाम अरकान के साथ लेकर चलने और ऐवान का तकदस बरकरार रखने का आजम गजाला गुला सूबाई इसम्बली की तेरहवीं डेप्टी स्पीकर बन गई वजी अल का इतखा हफ्ते के, के रोज़ होगा सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में मशारिया ग पाकिस्तान बहरीन काजिकस्तान सऊदी अरब मालदीव, मराकेश, कतर अमरीका उजबकिस्तान श्रीलंका थाईलैंड और तुर्की की टीमों की शिरकत आजरबाईजान चीन जर्मनी इंडोनेशिया और म्यांमार का बतौर मुबसर मश का मशाहिदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनर की टीमों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ पाक फौज ने किरदार जरूरत और काबिलियत की सिफात को हमेशा बरकरार रखा है हमारे जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इन सिफात का भरपूर किया है। आर्मी चीफ़ जनरल निगरान हुकूमत इंतबात के इन नक में भरपूर किरदार अदा किया आइन के मुताबिक मुल्क का निजाम मंतख नुमाइंदे चलाएंगे उम्मीद है मुंतब हुकूमत मुल्क दरपेश मसाइल से निजात दिलाएगी निगरान वजीर तलाक मुर्तजा सुलंगी नौमनखब अरकानी असम्बली का आवाम की फलाह और मुल्की तरक्की के लिए अनथक जज्बे से काम करने का आज माशी इस्तेकाम अहम चैलेंज है सबको कौमी एजेंडे पर मुतफ़ होना होगा इख्तलाफा पसे पुश डालते हुए मुल्क के लिए सोचना है अरकानी की पी टी वी न्यूज से गुफ्तगू। वजीर अली पंजाब मरीम नवाज़ का रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म वज़र अल को की जानब से मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग मरियम नवाज का डरूचा डैम प्रोजेक्ट का भी दौरा मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार हंड्रेड इंडेक्स में आठ सौ पचहत्तर पॉइंट इजाफे के साथ चौंसठ हजार पाँच सौ अठहत्तर बंद मार्केट में सत्रह अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार दहशत गर्दी जारी सिहूनी फौज की जनूबी गजा में खुराक के मुंतजर शहरियों पर गोला बारी इक्यासी फलस्ती शहीद सात सौ जख्मी स्यूनी फौज के बरीज और खान यूनस पर भी हमले शाह की मजमु तादादी मकबूसा कश्मीर में बुनियादी इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे में तासी के लिए इकदाम जमात इस्लामी के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर भी पाँच साल की पाबंदी आए भारत जाबिराना इकदाम से कश्मीरियों की मुनिफाना जिदोजे आजादी को दबा नहीं सकता का, का बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशेंल्ला कोयटा दाल बदीन तुर्बत नौकुंडी और दीगर अजला जिंदगी मुतासर पाक फौज और मकामी इंतजाम की इमदादी सरगर्मियाँ जारी नशेबी इलाकों से पानी के खराज के लिए इकदाम मुतासरीन में राशन और ख़ैम तकसीम गवादर, केच तुर्बत पंजगूर आवरान बारखान कोह्लू सिब्बी नसीराबाद दालबदीन और खुशदार में मजीद बारिश की पेशगोई बारिश का नया सिलसिला शुरू गलियात नारायण काखान सवात कोहिस्तान मानसेरा एबटाबाद और शांगला में मूसलाधार बारिश का इम्कान हुंजा स्कर्दू वादी नीलम बाग और हवेली में भी बादल जमकर बरसेंगे नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई इस्लामाबाद रावलपिंडी मियाँ वाली फैसलाबाद मुल्तान लिया डेरा गाजी खान रहीमार खान बहावलपुर साहिवाल सियालकोट और लाहौर में भी बारिश होगी कराची हैदराबाद दादू जामशोरो शहीद बेनजीराबाद जैकबाबाद और लाड़काना में भी बादल बरसेंगे और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग तमाशाइयों की जानब मुनासिब इशारा करने पर अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सजा एक मैच के लिए मअतल तीस हजार रियाल जुर्माना आयद फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी नाजिन हेडलाइंस आपने जानी खबर नामे में सबसे पहले आपको बताएं सोलवी कौमी असम्बली के नौमंत अरकान ने हलफ उठा लिया है स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर सोलवे कौमी असम्बली के अफ्ती इजलास में नौ मुंतब अरकान ने हल्फ उठा लिया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतब अरकान से हल्फ लिया सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ की मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान हामी और वफादार रहूंगा। हल्फ लेने वालों में आसिफ अली जरदारी सबक वजी अजम नवाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ सर जे यू आई एफ मौलाना फजल रहमान खुर्शीद शाह सरदार एज सदक समेत दूसरे नौ मनत बरकान शामिल हैं तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद नौ मनत बरकान ने हाजिरी दस्तखत किए कौमी असम्बली के अफ्तिक में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतजाम में हिस्सा लेने वालों ऐसी पहले दस्तखत करवाए स्पीकर कौमी असम्बली के लिए रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए डिप्टी स्पीकर कौम अबी के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कागजात नामजदगी जमा करवाए सेक्ट्री कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर ही कागजात नामजदी वसूल किए स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान को आगाह किया की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतजाम

उमर अयूब के नुकते एतराज पर बात करते हुए खाजा मोहम्मद आजिफ ने कहा कि सुन्नी इतिहाद कोंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती उनका मखसूस नशस्तों का कोई हक नहीं बनता उन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए कोई लिस्ट भी नहीं दी स्पीकर कौमी असम्बली ने पैनल ऑफ़ चेयरपर्सन का भी ऐलान किया पैनल ऑफ़ चेयरपर्सन में मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा चौधरी महमूद बशीर विरक सैयद नवीद कमर डॉक्टर नफीसा शाह अली मोहम्मद और सैयद अमीन शामिल हैं कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई सुबह दस बजे तक मुलतवी हो गई पाकिस्तान, न्यूज, के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतबाब कल होगा ऐवान नए वजी का इंतजाम इतवार को करेगा तफ़ी बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून और इतिहादी जमातों के सरदार अयाज सद ने स्पीकर और गुलाम शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करवाए हैं स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक के तजवीज़ कनंदरी सालिकसैन अब्दुल अलीम खान सैयद नवीद कमर और अवैस अहमद लगारी शामिल है सुन्नी इतिहाद कौंसल की जानब ऐसी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मलिक आमिर डोगर जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान ने कागजात जमा करवाए हैं क़ायदे एवान के इंतबाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है नए वजे अजम का इंतबाब तीन मार्च इतवार के रोज होगा वजेर के अहदे के लिए कागजात नामजदगी को दिन दो बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजाते नामजदगी कौमी असम्बली के शोबे कानून साजी ऐसी हासिल किए जा सकेंगे कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल उसी दिन पहले तीन बजे तक अमल में लाई जाएगी वजी अज़म का इंतबाब डिवीज़न के जरिए होगा जमातों के रहनुमाओं ने एम क्यू एम पाकिस्तान के वफ ऐसी पार्लियामेंट लॉजे में मुलाकात की मीडिया ऐसी गुफ्तु करते हुए सरदार अयाज सद ने कहा की एम क्यू एम ने स्पीकर डिप्टी स्पीकर और वजी के वोट के लिए हमायत की यकीन दहानी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है सदफ अफजल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वजीर आज मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी पी टी आई ने आई एम एफ को खत लिख कर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है ये इकदाम वतन अजीज को जान बूझ कर अंधेरों में धकेलने की साजिश है एक बयान में उन्होंने कहा की आई एम एफ को खत लिखना मुल्की मैशत का गला घूटने के मुतरिफ है शहबाज शरीफ ने कहा की ये खत वही लिख सकते हैं जिनका वतीरा सिर्फ मुल्क दुश्मनी हो ये खत साइफर के बाद मुल्क के लिए एक और बड़ा धचका है मुस्लिम लीग नून के रहन अताड़ ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल और खुशहाली के लिए तहादियों के साथ मिलकर मरबूत मुस्लिम लीग नून के रहन कौमीबली ने, कौमी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया ऐसी गुफ्तु करते हुए कहा की तमाम इतिहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी और मीशत की बहाली के लिए हमें मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा बानी पीटीआई पाकिस्तान की मीशत को तबाह करना चाहते हैं उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे जो एक ख़त लिखा गया आईएमएफ को इमरान खान साहब की ईमा पर ये पाकिस्तान की जमहूरीत को और पाकिस्तान की मीशत को डी रेल करने का एक और उन्होंने बहाना ढूंढा है माजी में उनकी हत अल्वसा कोशिश रही है कि मीशत को गैरमस्तहकम किया जाए और कहते होते थे कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा मैं ख़ुदकुशी कर लूंगा तो ऐसी क्या नौबत आई कि जिस आईएमएफ के पास जाने के ऊपर आप खुदकुशी को तरजीह देते थे आज आप उसी को खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का ऑडिट किया जाए आईएमएफ के पास ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज है कि वो इलेक्शन के हवाले से कोई राय दे सकें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली तारिक शाह ने कहा कि साथ बैठ मुल्क को बहरानों से निकालना है इलेक्शन हो गए अब पाकिस्तान की मैशत बहाल होगी आपस में जो एक सेटअप बना है है वो एक इसीलिए बन रहा कि हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो सोच है है वो यही कि अभी हमें आ, हम अपनी तरफ नहीं देख रहे हम ये देख रहे हैं कि हमने मिलजुल के इस मुल्क को इस इस बुरान से निकालना है एम क्यू एम के रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तू की खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हम आवाम और जमहूरियत के लिए आए हैं जमहूरियत के समरात तक पहुंचने चाहिए।, जी जी होने चाहिए और आपस में बैठ के या लड़ने के लिए नहीं है बातचीत करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहन रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा की आज जमहूरियत की बहाली हुई है इस मुल्क को दोबारा इस दौड़ में शामिल करेंगे जहाँ छोड़ कर गए थे ये मुल्क एक मरतबा फिर ऐसी तरक्की करेगा बकार है टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद अरकानसम्बली ने इस अजम का अदा किया है कि आवाम की बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर जज्बे से काम करेंगे रिपोर्ट कर रहे हैं नमाद आवान कौमी असम्बली केजलास में शिरकत के लिए आने वाले अरकान इफ्ती सेशन के लिए पहुँचे तो उनकी मुसरत का अंदाजा उनके चेहरों से हो रहा था उनमें से बेशतर पहले भी इस सेवान में बराजमान रह चुके हैं और कुछ के लिए ये कौमी असम्बली तक पहुँचने का पहला मौका था पी टी बी ऐसी बातचीत करते हुए नो मुनतब अरकान इसम्बली ने कहा की वो खुश हैं की उन्हें अपने हल्के की नुमाइंदगी का मौका मिला और वो अपनी तमाम तर सलातें मुल की तरक्की और इस्तेकाम के लिए ब्रोएकार लाएंगे चैलेंजेज है महंगाई है बेरोजगारी है और अनस्टेबिलिटी है इना उन सारी चीज़ों को फेस करेंगे हल करेंगे इन ताला पूरा उम्मीद रहेगी कि जो फैसले यूथ को इन्वॉल्व करती है उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और नौजवानों के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जो कि सूबे की बेहतरी के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो सबसे पहले यही कोशिश होगी कि जो आवाम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की मजबूत मीशत के लिए उसके लिए काम हो मंत अरकान में इस बार कई नए चेहरे भी नजर आए पहली बार नशे जीत कर कौमी असम्बली पहुँचने की खुशी के साथ साथ उनके अंदाज में उस जिम्मेदारी का अंसर नुमाया था की उन्हें अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल करना है उसके बाद आपके जो मुल्क के गुर्बत का हाल है तालीमी इदारों का हाल है ग्राउंड का हाल है आपकी पॉपुलेशन आपका क्लाइमेट आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोच के साथ आपको यह हुकूमत चलानी भी पड़ेगी और इंशाल्लाह चलाएंगे भी। खैर करे अल्लाह ताला इस कौम पे करम करे और जिस तरह ये मुल्क नोज डाउन हुआ है इसको अब उठाने के लिए दुआो हैं कि शबाशीफ साहब और पीपल्स पार्टी और एम क्यू एम और हमारे जो बाप पार्टी जो इतिहादी हैं जो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं उन फिर ये मुमकिन होगा कि दो साल के बाद ही कुछ हालात ठीक हों कोशिश करेंगे कि सब मिल के सारे किस्से गोल्डर मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें हमें अल्लाह आसानियाँ दे खिदमत करने का मौका दे और इस मुल्क के हालात ठीक हों हमारा घर यही है सी में रहना है तो इसको अच्छा बनाना लाजमी है जमहूरियत की बुनियाद अवाम का हक के राय दही है अवाम के वोट से मुंतब होकर पार्लियामान में पहुँचने वाला चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में उसके कांधों पर आवाम को जवाबदही का भारी बोझ होता है सियासी अख्तिलाफ के बावजूद एक केवान में मिल बैठना और मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले लेना ही जमहूरियत का असल हुसन है पाकिस्तान की सोलवी असम्बली महाराज वजूद में आ चुकी है कौमी असम्बली में आज के अफ्तायी इजलास के साथ एक सौ बहासी दिन के बाद एवान की के फिर से बहाल हो रही टेलीविजन न्यूज़ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद कौमी असम्बली के अफ्ती इजलास के मौके पर वजीर अल पंजाब मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की रहनमा आसिफा भुट्टो की मुलाकात हुई दोनों रहनमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरिया की मरीम नवास और आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी अरकान क्या अस्म लेकर में पहुंची हैं रिपोर्ट तैयार की है मलिक ने इंतबात में मुल्क के मुख्तलफ हल्कों और मखसूस नशस्तों से कई खवतान कामयाब होकर पार्लियामेंट पहुंची हैं बतौर रुकने कौमी असम्बली वो अपना किरदार कैसे अदा करना चाहेंगी आइए उनसे जानते हैं हम चाहते हैं सबको साथ ले चलना हम प्यार मोहब्बत से इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं हमारा इस वक्त ध्यान यही होगा कि हम ये इंश्योर करें कि जो पॉलिसीज़ हैं वो जो हमारे वोटर्स हैं जो मुंतज़र हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है हम लोगों को डिसअपॉइंट ना करें पाकिस्तान को आज जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो एक यूनिटी के साथ हम सब मिलकर हल कर सकते हैं तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी आज इस हकूमत को सपोर्ट कर रही है हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे तहदियों के साथ मिल के ऐसी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिले हम पे ये जो 22 से 25 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी पड़ रही है अलामिया हम खुशबी से जो है ना उनसे जो है अपने अतमद का जो वोट हम लेकर आए हम वो वफा कर सकें इस पार्लियामेंट में आइन की हर शिक्ष के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़ है उन आइन के शिकों के ऊपर अमल दरामद किया जाए इन शाह पाकिस्तान एक बेहतरीन तरक्की की तरफ गामजन होगा जिस दिन मेरा लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर अजम का ओत लेंगे तो इन शाह पाकिस्तान में आपको खुद एक नई तब्दीली नजर आएगी आप किस पोलिटिकल पार्टी से है रिगार्डनेस आप किस हल्के से हैं हम सब को मिल काम करना अगर हम चाहें कि पाकिस्तान में बेहतरी है आवाम की तो यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए मुशी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जमूरीत का तसल्स होना चाहिए पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हम सब को यहाँ पे अपनी वो वाली आवाज़ उठानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम यहाँ वोट लेकर आए हैं मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का जो है वो सियासी निज़ाम मस्तकम हो क्योंकि जब तक सियासी निज़ाम मस्तक नहीं होगा हमारी मीशत जो है वो मस्तकम नहीं हो सकती नौ मुंतब खत अरकने कौमी असम्बली दरपेश चैलें जैसे बखूबी आगाह है उनका कहना है कि आवाम को बेरोजगारी महंगाई और दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए मुसबत सोच के साथ मिलकर आगे चलना होगा मरियम मलिक पीटी वी न्यूज इस्लामाबाद निगरान वफाकी वजी तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने शफाफ इंतबात के इनका में भरपूर किरदार अदा किया है पी टी वी के प्रोग्राम में गुफ्तु करते हुए उन्होंने कहा कि आइन के तहत मुल्क को नुमाइंदे चलाएंगे। अगली मंतख हुकूमत आने वाली है वो जो वजीरजम साहब हैं आने वाले वो एक बहुत ही मंझे हुए तजर्बाकार लोगों की टीम लाएँगे क्योंकि इस मुल्क के जो मसायल हैं वो बहुत गंभीर हैं चाहे वो मीशत के हों चाहे गवर्नेंस के हों चाहे खारजा पॉलिसी के हों चाहे दहशत गर्दी के हों चाहे इंतहाई दर्जे की जो सियासी नफरत अंगेज़ी और तकसीम है ये बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के तो ये बड़े चैलेंजेस हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई जो मनतखब कौमी असम्बली है उसके जो कायदीन हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर किया जाएगा मुजवजा प्रोग्राम के मुताबिक दो मार्च दिन बारह बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार कागजात नामजद इस्लामाबाद और, और बलोचिस्तान से हासिल कर सकते हैं खैबर पखतनख्वाबली के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतजाम का मरहला मुकम्मल हो गया बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बेबी डेप्टी स्पीकर मुंतब हो गयी है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतबाब के लिए खैबर पख्तनख्वा इसम्बली का अजलास गुज्त इसम्बली की स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी की सदारत में हुआ इजलास एक घंटा से जायद की तखीर से शुरू हुआ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव खुफ़िया शुमारी के ज़रिए हुआ पोलिंग में एक सौ छह अरकान ने हिस्सा लिया जमयत इस्लाम के अरकान ने इतबी अमल का बाकॉट किया स्पीकर केहदे के लिए सुनी एतिहाद कौंसल के बाबर सलीम स्वाति और पीपल्स पार्टी के एहसान लामिया खेल के दरम्यान मुकाबला हुआ बाबर सलीम स्वाति ने नवासी वोट हासिल किए जबकि उनके मदे मुकाबल उम्मीदवार के हक में सत्रह वोट पोल हुए सबक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने नौ मनतखब स्पीकर से हल्फ लिया डिप्टी स्पीकर के इंतब के लिए पोलिंग नौ मनतखब स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की निगरानी में हुई सुन्नी इतिहाद कौंसल की जानब से सुरैया बीबी और पीटी आई पार्लियामेंटेरियंस की जानब से अरबाब वसी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया सुरैया बीबी ने सतासी वोट हासिल किए जबकि उनके मद्द मुकाबल उम्मीदवार ने उन्नीस वोट हासिल किए नौ मनतखब स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने नौ मंतखब डिप्टी स्पीकर सरैया बीबी से उनके अहदे का हल्फ लिया कायदे एवान का इंतबाब सुबह दस बजे होगा कायद एवान के लिए सुन्तहाद कौंसल की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर और मुस्लिम लीग न के इबादल्ला ने काज़ाती नामजदगी जमा कराए हैं क़ायद ऐवान का इंतबाब अरकनी इसम्बली की तकसीम के तरीकार होगा अदनान शाह पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पिशावर बलूचिस्तान इसम्बली में भी नए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतब का मरहला मुकम्मल हो गया है एवान अब क़ायदे ऐान का इंतबाब करेगा रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद 12वीं बलूचिस्तान असेंबली के 17वें स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और गज़ला गोला 13वें डिप्टी स्पीकर منتخب हो गईं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बिना मुकाबला हुआ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए नवمنتخب स्पीकर से चेयरमैन पैनल ने हलफ लिया मैं, मैं स्पीकर की हलफ बर्दारी के बाद डेप्य गोला ने हलफ उठाया दो हजार आठ में चमन से रुकने असम्बली मुंतब हुए दो हजार तेरह तक सूबाई वजीर और दो हजार अठारह ऐसी दो हजार बीस तक बशीर वजीरा बलोचि रहे इलेक्शन दो हजार चौबीस में आजाद हैसियत से इतना जीता और मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान किया सियासी कैरियर का आगाज चमन यूनियन नाजम की हैसियत किया हमारी कोशिश होगी कि हाउस हो को मुन तरीके से आगे लेकर चले गा गोलाब्ली की तेरहवीं और बहसीत खातून इवान की दूसरी डिप्टी स्पीकर है गजला गोला दो हजार आठ में भी रुकने बलोचस्तानबली और नवाब रईसानी काबिना में वीमेन डेवलपमेंट की वजीर रही है, है कि करेगा हम अपने, के लिए, अपने मुल्क के लिए हम बहुत अच्छी चीज़ करेंगे इजलास में पी बी टागटी ने भीबली में अबला हैियम नवाज शरीफ ने रावल पिंडी में रिंग रोड और डरोम का दौरा किया और मनसूबों आरोप जारी कामों का जायजा लिया मरीम नवाज ने मनसूबों को वक्त ऐसी पहले मुकम्मल करने की हिदायत की तफसी बता रहे हैं वजीआला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रिंग रोड रावल पिंडी का दौरा किया और मनसूबे पर जारी कामों का जायजा लिया वजी पंजाब मरियम नवाज ने दिसंबर तक रावल पिंडी रिंग रोड मनसूबे को मुकम्मल करने का हुक्म दिया नेस्पाक पी एम यू और एफ डब्ल्यू ओ हुम ने वजी अला पंजाब मरीम नवाज को रावल पिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट आरोप ब्रीफिंग दी ब्रीफिंग में बताया गया के रावल पिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट आरोप चौबीस फीसद काम मुकम्मल हो चुका है अड़तीस इशारिया तीन किलोमीटर तवील रावल पिंडी रिंग रोड आरोप पाँच इंटरचेंजेस ग्यारह ओवरपास, नाले, एक रेलवे ब्रिज और बनाए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर बनने वाले इंडस्ट्रियल रावलपिंडी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे आपने उसको को कर क्वालिटी पे बिल्कुल आपके चेक्स है, मैंने नहीं। लेकिन वजर अला पंजाब मरीम नवाज ने रावल पिंडी में पानी के सबसे बड़े मनसूबे ढढ़ोचा डैम का भी दौरा किया वजी अला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया के साठ हजार एकड़ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत रखने वाला ये डैम रोजाना पैंतीस मिलियन गैलन पानी सप्लाई कर सकेगा वजी अला पंजाब मरीम नवाज ने मनसूबे की बरवक तकमील को यकीनी बनाने की हदायत करते हुए कहा की आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी हमारी अवली है उन्होंने कहा की मनसूबे ऐसी खिता पोटोहार में माशी और समाजी तरक्की का जिंदगी भी बुलंद होगा दो हजार पच्चीस में मुकम्मल होने वाले इस मनसूबे पर काम का दोबारा आगाज नवम्बर दो हजार तेईस में शुरू किया गया था पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज रावल पिंडीन वजी पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मेो अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद में इजाफे के साथ नए स्ट्रेचर भी फ्राह्म कर दिए गए है। आवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्रहमी खी तवज्जो की मतकाजी होती है यही वजह है की वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिम्मेदारियाँ संभालते ही तालीम सेहत और दीगर बुनियादी देते हुए खुद हंगामी दौरे शुरू कर दिए हैं ताकि सहूलतों की अदम फ्राहमी का जायजा लिया जा सके गुजशत रात लाहौर के म्यू अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने इंतजामिया को हिदायत जारी की इमरजेंसी वार्ड में फिलफौरी पचास व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स मुहैया किए जाए उनके दौरे को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि नए स्ट्रेचर्स और व्हीलचेयर्स अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं कल चीफ मिनिस्टर मैडम मरियम नवाज साहिबा ने इधर विजिट किया उनके नोटिस में कुछ चीजें आई उनमें से एक व्हीलचेयर थी कोई नमाज पढ़ने की जगह थी फीमेल्स के लिए और एक चेस्ट ट्यूब थी मैडम की डायरेक्शंस पर हमने वो कल प्रेयर्स एरिया उनका बना दिया था डिप्यूट कर दिया था चेंज होने से पेशेंट जो आते हैं उनके डिप्रेशन में काफी कमी वाक होती है ए सी अच्छे चल रहे हो माहौल अच्छा हो तो पेशेंट का आधा दर्द कम हो जाता है वजी अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर न्यू एमरजेंसी ब्लॉक में खुवान डॉक्टरों और स्टाफ के लिए नमाज की जगह भी मखसूस कर दी गयी है म्यू अस्पताल में तिबी सहूलतों को बेहतर करने समेत दीगर एहकाम आरोप भी अमल दरामद जारी है चंद घंटों में मीयू अस्पताल के सलाह साल पुराने मसाइल का हल इस बात की अक्सी करता है कि काम की लगन हो तो रास्ते निकल ही आते हैं सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश खारिया में पजीर हो गई आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुनिरतमी तकरीब के मेहमान खसूसी थे सात घंटे की मुश्किल पेट्रोलिंग मश का मकसद जंगी महारतों को बढ़ाना था इस मशक़ में पाक फौज की सात टीमों के अलावा बहरीन उड़धन काजस्तान सऊदी अरब मालदीप मराकेश कतर अमरीका उजबेकिस्तान श्रीलंका थाईलैंड और तुर्की की पंद्रह टीमों ने भी हिस्सा लिया आजरबाईजान चीन जर्मनी इंडोनेशिया और म्यांमार ने बतौर मुबसर मश्क का मुशाह किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में के मुखलि मराल के दौरान टीमों की पेशा वराना महारत जिसमानी और जहनी सलाहियत और बुलंद हौसले की तारीफ की उन्होंने कहा कि इस तरह की मशकों से एक दूसरे के तजुर्बा से सीखने का मौका मैसर आता है आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्परिट इवेंट जवानों की अस्करी महारतों में इजाफे के साथ टीम के जज्बे को फ़रो देता है जनरल सैद आसि मुनर ने कहा कि पाक फौज ने किरदार जुरत और काबिलियत की सफात को हमेशा बरकरार रखा है और हमारे जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन सफात का भरपूर मुजाहरा किया है आर्मी चीफ ने मश्के शुर में

कारोबारी दिन के आगाज़ से ही मार्केट में तेज़ी रही मीशत का दुरुस्त में गामजन होना मुल्क में सियासी इसकाम और हुकूमत की माशी असलाहत के असर बरह रास्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहे हैं परमानेंट हुकूमत आती है तो कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आती है जब स्टेबिलिटी आती है तो कारोबारी मौक़े और लोगों को रोजगार के मौके पैदा होते हैं तो जो भी आज आपने मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड देखा है ये मुझे लगता है कि इन शाह तूसरे शोबों में भी आपको ये पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा। इंडेक्स ने आठ पॉइंट्स के इजाफे के साथ एक बार फिर चौसठ हजार की सतह को बर किया और मार्केट चौसठ हजार पाँच बंद हुई स्टॉक मार्केट में एक लाख इक्यानवे हजार पाँच शेयर से कारोबार हुआ जिसकी मालियत 17 अरब से ज्यादा रही जबकि कारोबारी हजम बयालीस करोड़ से ज्यादा रहा बाजार में कुल तीन कंपनियों के शेयर का लेन हुआ जिनमें से एक कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा एक कंपनियों के शेयर की कमी जबकि पंद्रह कंपनियों के शेयर कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ जीशान अहमद खान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराचीन मखसूस सियासी जमात की जानब से आई एम एफ को खत लिखने की साजिश मुल्क के माशी और समाजी कल्चर के लिए बहुत नुकसानदेह है पाकिस्तान के खिलाफ आई एम एफ को खत लिखने पर अवा ने रद्देमल देते हुए कहा कि उनका क्या भरोसा कल किसी मुल्क दुश्मन को भी खत लिख देंगे कि पाकिस्तान पर हमला कर दो पी ने दौरे में आई एम एफ के साथ को खराब करके मुल्क को माशी बहरान में धकेल दिया था पाकिस्तान के पोलिटिकल प्लस मौशी प्लस समाजी कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है आज आई एम एफ को खत लिखे कल ये किसी भी मुल्क को इंडिया को खत लिखे पाकिस्तान पर हमला करो तो हमें इसके खत लिखने की शदीद करते। उसने अपने के इस अच्छा अच्छा क्यूँकि इसको सिर्फ इकतेदार चाहिए ये मुलाक दुश्मन लाकूमत थी तो खुद ही उनके पास चला गया की भाई मुझे फंड वगैरा दो आकर ये चाहता क्या इस जो है हवाले से तो वो दुनिया से दूसरों मुल्कों से इख्लाफ पैदा करवाना कर चाहता है ये मुल्क और कौम के साथ ज्यादा की है क्योंकि अवाम रुल रहे हैं पहले से मतलब जब उसकी गवर्नमेंट थी तो ये महंगाई उरूज पर थी लोगों के घर में खाने मतलब चूल्हे नहीं जल रहे थे ये तो बिल्कुल मुल्क के साथ और हमारे कौम के साथ सरासर जुलम है खत लिखा है अभी कि ये आप इनको किस्त ना दो ये किस्त ना दे दो पाकिस्तान नहीं चल पाएगा मलबा जो है ना गरीब आवाम पे गिरना है यहाँ पे तेल महंगा होगा उसके अलावा महंगाई बढ़ेगी मुल्क की माशी मसाइल को देख कर तहरीके को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए मुल्क और कौम का सोचना चाहिए ये तो नुकसान है आवाम का मुल्क की खातर ही सारा कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको इसमें मुदातलत नहीं करनी चाहिए मुल्की मामला मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सदर डॉक्टर आरिफअल ने माहौल दोस्त कानकनी के तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि माधनी नमक की बरामदा में इजाफे के लिए अंदाज में आलमी सतह पर मार्केटिंग करना होगी उन्होंने ये बात खेवड़ा में नमक की कान के दौरे के मौके पर कही इस मौके पर सदर ममलिकत को पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्तलि के बारे में ब्रीफिंग दी गई सदर डॉक्टर आरिफ अलवीवी ने कहा कि पाकिस्तानी नमक को काबिल कदर मनूआत में बदलकर क़ीमती ज़र मुबाला कमाया जा सकता है सदर मल्लिकत ने सॉल्ट माइन के अंदर मुख्तलिफ सियाती मकाम का जायजा लिया उन्हें खेवड़ा में पाए जाने वाले नमक के मैार और मुख्तलिफ नमकियाती अज्जा के बारे में भी आगाह किया गया सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खेवड़ा नमक की कान में साल्ट लाइब्रेरी का भी इफ्त किया कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की गजा में इसराइल के ताजा हमले में इक्यासी फलस्तनी शहीद और सात सौ जख्मी हो गए हैं ये अफराद गजा शहर के जनूब में इमदादी खुराक का इंतजार कर रहे थे कि इसराइली फ़ौज ने उन पर गोलाबारी कर दी फलस्तनी हुकाम का कहना है कि तबी अमला इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को देखभाल से कासर है गजा के दूसरे इलाकों ने सिरा ब्रिज और खान यूनस में इसराइल के फजाई हमलों और गोलाबारी से तीस फलस्तनी शहीद हो गए हैं गजा में अब तक शहीद होने वालों की मजमू तादाद तीस हज़ार से ज़्यादा हो गई है और सत्तर हज़ार से ज़्यादा ज़ख्मी है एक एन जी ओ सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि दुनिया गजा में बच्चों के बड़े पैमाने पर हलाकत पर खामोश तमाशाई बनी हुई है गजा में वजारत सेहत ने कहा है कि खाना ना मिलने की वजह से मुख्तलिफालों में छः बच्चे दम तोड़ गए हैं इसराइली जारहियत के नतीजे में गजा में बीस लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं सऊदी अरब और फ्रांस नेंगी का करते इलाकों में पर किया है सऊदी वली अहद और वजर अजम शहजादा और फ्रांसी मैक्रॉन ने टेलीफोन पर गजा की ताज़ा सूरत हाल जंग से मुताे में इमदाद पहुँचाने और बहरा अहमर में सलामती समेत दीगर उमूर परबादला ख्याल किया फोन पर बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने बहर अहमर की सलामती गजा में जारी जंग और मुता के लिए इमदाद की फराम पर भी गुफ्तु की दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ फलस्ती के मुनिफाना हल आज़ाद फलस्तनी रियासत के क्याम और खत्े में देरपा अमन और सलामती के लिए अमन मजाक शुरू करने पर जोर दिया फ्रांसीसी एवान सदर की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंगबंदी से मुलिक माहदे की अशद जरूरत पर जोर दिया है कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की जहाँ भारतीय हुकूमत ने अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एक और सियासी तनसीम जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी आयद कर दी है कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी का ऐलान भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में किया भारतीय वजारत दा, दाखला ने काले कानून यू ए पी ए के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पर पाँच साल के लिए पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है भारतीय काबिम ने गुजशतर रोज जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर पाबंदी में भी पाँच साल की तोसी की थी मोदी हुकूमत पहले ही कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी तहरीक हरीत दुख्तरान मिलत और जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट को कलदम करार दे चुकी है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों ने फिस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी की शदीद मसम्मत की है उन्होंने कहा कि भारत मकबूज़ा इलाके में सियासी तनजीमों कारकुनों और उनकी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ आयद करके कश्मीरों के मुनफाना जदोजहदे आज़ादी को दबा नहीं सकता भारतीय काबिज इंतजामिया ने तहरीक आज़ादी की हिमायत करने पर कश्मीरीों के अमलाक जायदादें जब्त करने की मुहिम तेज कर दी है ज़िला गांधरबल के इलाके कंगन में मजीद चार कश्मीरियों बशीर अहमद बट मिराजुद्दीन शाह फयाज़ अहमद शाह और सैफुद्दीन शाह की जायदादें जब्त की गई हैं कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के सबक कन्वीर मोहम्मद फारूक रहमानी ने हुरियत रहना सरजान बरकती के खिलाफ जूटे मुकदमा के इंदराज गांधरबल और कुपवाड़ा में कश्मीरियों के अलाक की जब्तगी और कश्मीरी हुरियत रहना अब्दुल हमीद लोन के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत मुकदमे के इंदराज पर अफसोस का इजहार किया है कश्मीरी पंडित माहम प्रोफेसर नताशा कौल को भारत में दाखिले से रोकने का मामला प्रोफेसर कौल ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन हुक्म की तरफ से बदसलूकी पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जमहूरी और आईनी इकदार पर बात करने की वजह से भारत में दाखिले से रोका गया है इमिग्रेशन इमीग्रेशन ने गैर रस्मी तौर पर कहा कि आर एस एस पर उनकी तनकीद दाखिले से इनकार की बुनियादी वजह बनी बी बी सी के मुताबिक प्रोफेसर कौल को मालूम फ्राह्म किए बगैर होल्डिंग सेल में 24 घंटे तक नजरबंद रखा गया प्रोफेसर नताशा कोल को कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की जानब से मुनदा आयन और कौमी इतिहाद कन्वेंशन में शिरकत के लिए मदू किया गया था मकबूजा कश्मीर की सबक वजी महबूबा मुफ्ती ने प्रोफेसर कोल के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि कश्मीरी प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो बीजेपी के नज़रिए से मुतफ़ नहीं हैं उधर भारत में किसानों के दिले चलो मार्च के सोलहवें दिन भी रियासत हरियाणा की पुलिस ने किसानों पर तशद का सिलसिला जारी रखा इंसानी हकूक़ की तनजीम एमनेस्ट इंटरनेशनल ने कहा है कि किसान मुजाहरीन पर पुलिस की सफाकियत में इजाफ़ा हो गया है एहताज के बाद सड़कें बंद होने से भारतीय पंजाब में डीजल और एल पी जी गैस की किल्लत पैदा हो गई दिल्ली और नोएडा की सरहद पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हुई दहली से दो सौ किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की सरहद पर हज़ारों किसान एहतजाज कर रहे हैं हरियाणा में जारी मुजाहरों की वजह से एक बार फिर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है किसानों ने दूसरे इलाकों में एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया है आर्मी चीफ के खसूस अहकाम पर इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खबर ख़ान नॉर्थ मेजर जनरल नूरमली ख़ान मर्दान के इलाके काटलंग में दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले एस पी एजाज खान के घर गए और अहल ख़ाना से मुलाकात की आई जी एफ सी ने शहीद की मगफरत के लिए फातहा खानी की उन्होंने शहीद के अहिल खाना के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि शहीद एस पी एजाज खान एक दिलेर और मुहब वतन पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासुर को ख़त्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की पाक फौज शहीद एस पी एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी आई जी एफ सी ने पाक फ़ौज की जानब से शहीद एस पी एजाज खान के अहल खाना को पचास लाख रुपये का चेक पेश किया आई जी एफ सी ने रीजनल पुलिस ऑफिस मरदान का दौरा किया और काटलिंग में दहशतगर्दों के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की उन्होंने पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि खैबर पखतनख्वा की पुलिस गुजशा कई साल से पाक फौज के शाना बशाना दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सरगर्मी अमल है और उनके अफसरान और जवानों की कुरबानियों की बदौलत खैबर पखतनख्वा में अम कायम हुआ पाकिस्तान टेलीविजन ने बार में आम इंतबात में पोलिंग के अमल से लेकर नतज तक तमाम मराहल को बिलाता कवरेज को ऐसा तरीके से निभाया है वजीर तलात और नश्यात मुर्तजा सोलंगी ने पी टी वी के कारकुनों में तारीफी इस्नात तकसीम की तफसी नम्रा सुहेल से सरकारी टीवी होने के नाते आम इंतबात की तमाम कवरेज की जिम्मेदारी पाकिस्तान टेलीविजन पर किसी और चैनल से ज्यादा थी निगरान वजी अतलात और नशरियात मुर्तजा सुलंगी के विजन के मुताबिक आम इंतबात की दिन रात मुसलसल नशरियात को बेहतरीन अंदाज में मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम इदारों की अनथक मेहनत टी वी स्क्रीन की जीनत बनी तकरीब ऐसी खिताब में वजीर अतलात ने कहा की पाकिस्तान टेलीविजन के इंतबात की कवरेज मैार और तवक़ुआ पूरा उतरी इंत ट्रांसमिशन थी उसका बहुत से हलकों की तरफ से अतराफ़ भी किया गया कि आपने बहुत मेहनत के साथ काम किया और आपकी जो प्रोडक्ट थी ट्रांसमिशन उसका मैार बहुत अच्छा था तो ये तारीफ मैंने बाहर के लोगों से आपके जो हरीफ़ हैं उनसे सुनी है तो आपको यकीनन मुबारक हो सेक्रेटरी सक्रेटरी शहीरा शाहिद ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर कवरेज को बेहतर अंदाज में पेश करने में पीटीवी के तमाम शोबों का किरदार तहसीन है खुशी की बात यह कि ना सिर्फ ये कि गलती नहीं हुई बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और जो आप 40 घंटे की जिस नशियात का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी खुश असलुवी से आप सबने निभाई है। पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबाशिर तोकीर शाह ने कहा कि मुलाज़मीन ने आम इनतखाबात के दौरान बेहतरीन कार्य करते हुए काम उजाहरा किया। तकरीब में डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद जीएम और कंट्रोलर इंचार्ज करंट अफेयर्स चौधरी सलीम डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फरहत अबासफ नूर डायरेक्टर फाइनेंस रेहान कासैन जी एम मीडिया मोहम्मद नवीद अजहर और कंट्रोलर करंट अफेयर्स साइकी बतूल समेत रिपोर्टर्स कैमरा मैन और दीगर शोबों के एहलकारों को तारीफी असनाद ऐसी नवाजा गया तकरीब के आखिर में पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया की जानब ऐसी वजी अतलात सेक्टरी इतलात और एम डी पी टी वी को श ने कहा है की सेहत के शोबे में इस्लाहत उनका असम था इस्लाबा चम्बर ऑफ कामर्स के दौरे के मौके पर वजीर ने कहा की फार्मा इंडस्ट्री की बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम किए हैं डॉक्टर नदीम जान ने कहा की चैम्बर ऑफ कामर्स के, के शोबे में अपना भरपूर किरदार अदा करे हस्पताों में गरीब और पसमानदा अफराद के लिए खदमी होनी चाहिए कराची से पिशावर वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मफामती याददाश्त पर दस्तखत हो गए खसूस सरमाकारी सहूलत काउंसिलियट में इस अहम मनसूबे के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान मफामती याददाश्त पर दस्तखत किए गए इस मनूबे की सरब्राही फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल एंड इंटर स्टेट गैस सिस्टम इसके अहम शरा रहे हैं चार सौ सत्ताईस किलोमीटर तवील ये पाइप लाइन माचिकलियान यानी कि पंजाब और तारोजा यानी खैबुर पखतुन से गुजरेगी वाइट ऑयल पाइपलाइन का मकसद पेट्रोलियम मनवात की मौसर सप्लाई को यकीनी बनाने के साथ साथ मिलावट की रोकथाम और हिफाजत में इजाफ़ा करना है मनसूबे की तमीर से अरबों रुपए की बचत होगी वाइट ऑयल एशिया खुरनोश के अलावा दीगर कमर्शल मनुआत बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पाइपलाइन मनसूबा पेट्रोलियम डिवीजन और खसूस सरमायकारी सहूलत काउंसिल के असम का सबूत है लाहौर में यूनिवर्सिटी के से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब अली है तलबाव की कामयाबी में वाले और मुबारकबाद के मुस्तक हैं सैनिटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिंदगी जिदोजहद का नाम है मेहनत तैयारत और मुस्तिल मिजाजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से पी की अजाजी डिग्री देने पर इदारे का शुक्रिया अदा किया कॉन्वोकेशन में सैनिटर इरफान सिद्दीकी और शहजाद नवाज को अमली ज़िंदगी में ग्रां कदर ख़िदमत पर पी एच डी की एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया सूबाई महत रिटायर्ड मेजर आजम सलेमान ने इारे की सालाना रिपोर्ट गवर्नर पंजाब को पेश कर दी इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर मोहम्मद रहमान ने कहा कि महतसब का इदारा गुज्त सत्ताईस सा साल से अवामी शिकायात का इजाला नहाय कम मुद्दत और बेहतरीन अंदाज में कर रहा है उन्होंने कहा कि वामी शिकायात के फारि हल के लिए इदारे की हेल्पलाइन के क्याम और मोबाइल ऐप समेत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया है जो वक्त की अहम ज़रूरत थी सुबह महतसब ने इदारे की कारकरदगी पर रोशनी डाली गवर्नर सिंध कामरानसौरी ने सहमद शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी दी उन्होंने मजार पर उर्स की तीन रोज़ा का काफ्ताह किया इस मौके पर मीडिया से गुफ्तु गुफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के इसकाम के लिए काम करने की ज़रूरत है कामरान टोरी ने कहा कि सिंध खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा उनका कहना था इंतजाम की जानब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं खैबर पख्ख के गवर्नर हाजी गुलाम अली से एसोसिएशन फॉर स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज जर्मनी के नुंदा वफ्त ने मुलाकात की मुलाकात में खैबर पखतुनखा बशम अजला में मुख्तिक शोबों में सरमाकारी केम्कान पर तबादला ख्याल किया गया जिनमें मादनियात कानकनी जंगलात तबी खेल और सयाहत और इंसानी तरक्की के शोबे शामिल हैं गवर्नर ने वफ के सूबे की बिजनस कम्यूनिटी के साथ तान के जज्बे और मुख्तलि शोबों में सरमाकारी करने में दिलचस्पी के इजहार को सराहा नासिन रवा सीजन पंजाब में एक करोड़ चौहत्तर लाख तैतालीस हजार एकड़ रकबे पर गंदम की गई है पंजाब की जानब ऐसी गुजशत साल की नादावारी हदफ मुकर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से फरहान रवा सीजन में शदीप धुंद और ठंड के बाइस ग फसल को वाफिर मकदार में नमी की कुदरती फरहमी और तैयारी के अहम मरले में शदीद धूप की वजह से गंदम की पैदावार ज्यादा होने का इम्कान है गजाई तहफ़ के इस अहम मंसर की निगरानी की गर्ज ऐसी लाहौर में सेक्ट्री जरा की सरबराई में जिलासों के का जारी है। इस दौरान फी एकड़ पैदावार में इजाफे और किसानों की माली मावनत के नकाद पर गौर किया जा रहा है रबा साल पंजाब में गंदम का पैदावार हदफ दो करोड़ छप्पन लाख टन मुकर किया जा रहा है नई वरायटियों के आगाज के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस साल फी एकड़ पैदावार चालीस मन और मजमुई पैदावार हदफ से ज्यादा रहने के वसी इम्कान हैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी फसल को जो है वो मुआयना करें और अगर कहीं टुकड़ों की शक्ल में अगर कुंकी की फसल नजर आती है तो उसको टुकड़ों की शक्ल में ही उसका तदारों को यकीनी बनाएँ और अगर खुदाना खासा फसल पर बीमारी ज़्यादा फैलती है तो पूरे रकबे पर स्प्रे करके इसका तदारो यकीनी बनाएँ मैं गंदम का दस एकड़ का काश्तकार हूँ अलहमदुल्ला इस दफ़ा गंदम की फसल बहुत अच्छी है तो दो तीन हफ्ते पहले इस पे ना कुंगी का हमला है तो हमने महकमे वालों से अपना रबता करके उसको उनको फसल चेक करवाई आठ एकड़ रकबे पर गंदम काश की हुई थी और मैंने नवंबर के शुरू में ही काश की कर ली थी और जड़ी बूटियों की तलफी भी हमने टाइम से की है और हमने पानी भी इसे बिल्कुल टाइम पे से ही लगाया है और इन हमें ये अच्छी पैदावार देगी गंदम की अच्छी पैदावार का सूल सूबे के काश्तकारों के माशी सकाम में अहम किरदार अदा करेगा महकमा जरा की जानब से फसल को बीमारी और कीड़ों से महफूज रखने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला जारी है बारिशों के दौरान काश्तकारों को फसल की बेहतर के बारे आगाही भी फराम की जा रही है पाकिस्तान की अहम तरीन फसल गंदम गई जिन्स होने की वजह से मुल्क की फूड सिक्योरिटी की जामिन है फरहान मिर्जा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज मुल्तान तो पाकिस्तान के दी और पाकिस्तान के सदारत की चेयरमैन ने कहा कि की वाबडा मुतासरी की कुरबानी कदर की निगाह से देखता है और हम चाहते हैं की मुतासरी के कानूनी और जायज केसेस को जल्द अज्द हल किया जाए इजलास को बताया गया कीमिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तमाम अहम साइट पर तमीती काम तसली बख्श रफ्तार ऐसी आगे बढ़ रहा है असल अपडेट में खुशा मदीद नाजरीन बलोचिस्तान में बारिशों का स्पेल आइंदा चौबीस घंटे भी जारी रहेगा चार रोज से जारी तूफानी बारिशों से गवादर और साहली इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं डेप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी का कहना है कि रेस्क्यू कार्रवाई जारी है अब तक तीन सौ लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है तफसी देखिए कोयटा से सरफराज शेख की इस रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीली और तगर के बायस बलोचिस्तान जगराफियाई लिहाज से शदी मुतासर खितों में शुमार होने लगा है बेरब मौसम शदीद बारिशों समंदरी तूफानों बढ़ती हुई आलूगी सैलाब और ज़मीनी कटाव से इंसानी जिंदगीों को शदीद खतरा लाक हैं मकरान के साहली इलाके जीवानी से गडानी तक 780 किलोमीटर पर मुहित तवील साहली इलाका मौसम तक में है गुजशत दूर से जारी रहने वाली शद बारिशों ने गवादर तुर्बत जीवानी हब ला गडानी और दिगर इलाकों में तूफानी बारिशों से सूरत हाल गंभीर कर दी है मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र गवादर से मुलका इलाके पशखान सरबुंदन और गर्दोनवा में तूफ़ानी बारिशों और तेज हवाओं का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है गवादर में मौजूद गैर मामूली बारिशों ने शहरी आबादी को ख़ासा मुतासर किया है घरों में पानी दाखिल हो चुका है और सड़कें जेर आब हैं जिला इंतजामिया पी डी एम ए पाक फ़ौज नेवीज़ पुलिस और जी डी एस समेत दीगर मुतल अदारे मुतान की इमदादो बहाली में मसरूफ़ हैं तहम तो़ो की जा रही है कि कल्लात मस्तूम खुजदार ज्यारत कि सैफुल्ला जोब और चमन के इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है बलूचिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमिया तब्दीली की वजह से कुदरती आफात के बायस का तकरीबन सत्तर फीसद से जायद हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ है शेख, पाकिस्तान न्यूज, गवादर में सैलाब के बाद पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है पाक फौज के जवान गवादर जीवानी और सोरबंदर के गर्दो में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है मुख्तु देहात में सैलाब में फंसे हुए शहरीों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है मुतासरीन में पका हुआ खाना और खुश्क राशन तकसीम किया जा रहा है बेघर आबादी को खैमे और चटाइयों की फरहमी भी जारी है मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए गवादर और जीवानी में दो दो जबकि अकरा और पशुकान में एक एक मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है इसके अलावा गवादर में दो एमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट भी कायम किए गए हैं सैलाब सैलाबदा इलाकों में घरों से पानी निकालने के लिए पाक फौज की जानब से पंप लगाए गए हैं इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और मकामी आबादी को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया उन्होंने कहा कि बारिश का पानी कम होने के बाद फौज घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नहाली के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी होगी मकामी आबादी ने इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज की कोशिशों को सराहा है हुकाम के सैलाब का पानी तेजी से कम हो रहा है और तो है कि कल शाम तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा महकमा मौसम के मुताबिक आइंदा चौबीस घंटे के दौरान बलोचिस्तान खैबर पख्तुनख्वा जुनूबी वस्ती पंजाब में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इमकान है इस दौरान बलोचिस्तान में अक्सर मकामा पर मूसलाधार बारिश जबकि चंद मकाम पर याला और शिमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी जबकि हरारत की बात करेंगे जिसकी तफसील कुछ यूं रही लह में कम से कम दर्ज हरारत मनफी आठ डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया काला में मनफी छहतोरकर में मनफी तीन डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के मुख्तु शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की यहाँ कम से कम दर्ज हरारत सात डिग्री सेंटीग्रेड रहा लाहौर में नौ कराची सत्रह पेशावर नौ जबकि कोयटा में सात डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया राज मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं मौसम की खबरों से इतना ही खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मैच के लिए मुतल कर दिया गया सऊदी प्रो फुटबॉल लीग में अलशबाब के खिलाफ मैच के अख्ताम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तमाशाइयों की जानब नामनासिब इशारा किया शायक अर्जेंटीना के लिनल मैसी के हक में नारे लगा रहे थे वाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सऊदी फुटबॉल फेडरेशन की डिसिप्लिनरी एंड एथिक्स कमेटी ने रोनाल्डो को एक मैच के लिए मुत्तल कर दिया रोनाल्डो पर दस हजार सऊदी रियाल जुर्माना आयत किया गया है जबकि शिकायत दर्ज कराने की फीस के खराजात को पूरा करने के लिए इन्हें अलशबाब को भी बीस हजार रियाल अदा करना होंगे इटली के एंटी डोपिंग ट्रिब्यूनल ने फ्रांस के फुटबॉलर पॉल पोगबा पर चार साल की पाबंदी आय कर दी है अतालवी क्लब के मिडफील्डर पोगबा पर पाबंदी का फैसला डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद किया गया पोगबा का पहला टेस्ट गुजश्ता साल सितंबर में किया गया था जिसके बाद तस्दीक के लिए अक्टूबर में इनका दोबारा नमूना लिया गया पॉल पोगबा के क्लब यूवेंटस को फैसले से आगाह कर दिया गया है दो हजार अठारह की आलमी चैंपियनशिप फ्रांस की टीम का हिस्सा थे तहम वो हेमस्ट्रिंग और इंजरी के बायस फीफा वर्ल्ड कप दो हजार तेईस में अपनी खेलों की खबरों के साथ को ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज